शिव शक्ति मंदिर न्यू हरगोविंद नगर के प्रधान हरेकांत झा की ओर से करवाए गए सत्संग समारोह में श्री काशी धर्म पीठाधीश्वर जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी नारायण नंद तीर्थ महाराज विशेष रूप से आशीर्वाद देने पहुंचे। इस दौरान करवाए गए सत्संग समारोह में शंकराचार्य स्वामी नारायण नंद तीर्थ महाराज ने उपस्थित संगत को प्रवचनों से निहाल करते हुए कहा कि सत्संग ही सुगंधित बगीचा है। साधक सत्संग रूपी बगीचे में जब तक नहीं जाता है परमात्मा का दर्शन कठिन है। वहीं उन्होंने कहा कि अभिमान मनुष्य का शत्रु है, अभिमान से अन्य दुर्गुण भी आ जाते हैं। इस अवसर पर आरपीएफ के सहायक कमांडेंट बीएन मिश्रा व नारायण सेवा समिति के वरिष्ठ सदस्य अजय मल्होत्रा ने विशेष रूप से शामिल होकर आशीर्वाद प्राप्त किया। इस मौके पर जयप्रकाश, मायाराम, धर्मेंद्र, बीपी मंगल, सुरेंद्र, सुमन, अनिल मौर्या, पंडित निरंजन पांडे, मुन्ना, आदित्य, कौशल, किशोर, सोनेलाल, जितेंद्र, गौरव, नवल किशोर झा, निखिल झा, प्रमोद शास्त्री, श्रीपति, महेश्वर, रामलुभाया, विक्की, सीता राम, भोला, बम्बम, दर्शाना, गीता, राधे, अनीता के अलावा श्री नारायण सेवा समिति के प्रधान हरेकांत झा, अजय मल्होत्रा, भगवान दास, अशोक मेहरा, गोपाल झा, चरणजीत झा, महिला संकीर्तन मंडली की प्रधान ऋतु शर्मा, मुक्ति मल्होत्रा, निशी शर्मा, नीलम शर्मा, वीना राय सहित असंख्य भक्तजन भी मौजूद रहे। जालंधर से हलचल के लिए सुदेश भगत की रिपोर्ट। ज्ञान के लिए गुरु की उपासना करनी ही पड़ती है। पूजा करना हमारी क्रिया का लाभ है, हमारी श्रद्धा है। व्रत करना, पूजन करना, भक्त नदियों में स्नान करना, देव दर्शन करना, ये सब श्रद्धा पूरा करने के भी लाभ होते हैं। और इनके लाभ हैं कि मनुष्य गंगा में स्नान करके अपने जीवन में धन्यता का अनुभव करता है और कहता है हमारे सब पाप खत्म हो गए, पाप के बोझ से हल्का कर दे, उसी का नाम तीर्थ होता है। तीर्थों में संयम नियम से रहा जाता है, मन वाणी को नियंत्रण में रख करके ही तीर्थ यात्रा का संपूर्ण फल प्राप्त होता है।